एक वक्त था जब सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए था, और जिस लड़की की गवर्नमेंट जॉब थी उसको शाहरुख खान चाहिए था, और शाहरुख खान को वैसे ही अब सबको बिजनेस खोलना है, स्टार्टअप करना है, अपना खुद का काम करना है, लेकिन आइडियाज कहाँ से लाए, क्योंकि डिग्री वाले तो कोई चाय वाला है तो कोई गोलगप्पे वाली। तो चलिए साथ मिलके गूगल करते हैं बिजनेस के कुछ नए आइडिया। भाई ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो चाहे वो जॉब करता हो। आपको कॉलेज खत्म होने या जॉब खत्म होने के बाद एक खरीदना है झूला। अब जब कॉलेज में टीचर पढ़ाएंगे नहीं तो यही काम करना होगा, पर अब इस झूले पे झुलाओ किसको? और डेली 6 से 8 बजे तक बच्चों को झुलाने हैं झूले। आप 2 घंटे में 50 बच्चों को झूला झुलाओगे और एक बच्चे से पैसा चार्ज करोगे 20 रुपए, तो इस हिसाब से हुए 50 × 20 = 1000 रुपए। दिन के कमाए आपने 1000 रुपए, इस हिसाब से महीने के हुए 30000 रुपए। इतने तो मेरी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद नहीं मिलती भाई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप जहाँ भी थे प्लीज वो वापस चले जाएं। निकल ले भाई तू। हाँ, चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। इसको तुम बिजनेस बोलते हो? बिजनेस छोड़ो, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब। तुमको किसी ने डिफरेंस नहीं बताया क्या बिजनेस और मजदूरी का? झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा। आज झूला झूलने की मजदूरी सिखा रहा है, कल को ट्रेन में चने बिछवा देगा। स्टार्टअप में लगेगी सिर्फ आपको एक स्टील वाली बाल्टी, आपको बेचनी है दाल वाली नमकीन, वो भी ट्रेन में। मैंने तो इस बिना हड्डी की जुबान से बस बोला ही था, इस बंदे ने तो वीडियो इसमें बना भी रखी है ऑलरेडी। चीटिंग करता है तू। भाई सुनो, आपको बिजनेस का स्टार्टअप बताना था, मजदूरी का नहीं। वो तो हमारे लेबर चौक पे बैठ जाओगे तो भी आपको इतना तो मिल ही जाएगा कि आपका गुजारा चल जाए। भाई साहब ये किस लाइन में आ गया? मजदूरी का भी स्टार्टअप नहीं, फार्टअप है ये। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? सर सर सर, मेरी हॉबी चलती ट्रेन से कूदना है, तो मैं इसे बाल्टी में भर के चना बेचू ट्रेन में? बिजनेस करने का ना मेरे को, बिजनेस। पैसा ही पैसा होगा। पर यार इसमें उतना स्कोप नहीं है, क्योंकि ये वंदे भारत स्टार्ट हो चुकी है तो ये आगे तक चलेगा नहीं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो सबसे पहले खरीदनी है आपको नमकीन, मार्केट में नमकीन का रेट 160 रुपए का चल रहा है 1 किलो। आपको एक कस्टमर को 30 ग्राम नमकीन देनी है, तो आपको 200 कस्टमर के लिए टोटल नमकीन तैयार करनी है, तो आपको लगेगी 6 किलो नमकीन। 960 रुपए की है 6 किलो नमकीन। 40 रुपए के लेनी है आपको डिस्पोजेबल प्लेट, 100 रुपए के लेने आपको नींबू, 100 रुपए के प्याज, 100 रुपए के टमाटर। तो 1300 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपका स्टार्टअप रेडी है। अब आपको एक प्लेट बेचनी है 15 रुपए की, तो 200 प्लेट आपने बेची 3000 रुपए की, माइनस करते हैं 1300 रुपए। दिन के कमाए आपने 1700 रुपए, आपका महीने का पैकेज बैठा 51000 रुपए का। और 51000 रुपए महीने के? मेरे घर से रेलवे स्टेशन तक का खर्चा तो जोड़ा ही नहीं, और चाकू का खर्चा, और टीसी जो चलान काटेगा बिना टिकट के ट्रेवल करने का उसका खर्चा, और जो मेरे पास जहर खाने के पैसे हैं ये स्टार्टअप चालू करने के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे, उसका मैं क्या करूं? इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। भाई इस स्टार्टअप में लगेगी पार्टनरशिप, आपको करनी है पार्टनरशिप जो ट्रेन में नमकीन बेच रहा था। स्टार्टअप, पार्टनरशिप, पैकेज, इतने भारी भारी ये वर्ड बोल रहा है बंदा। भाई अब तो तुम शार्क टैंकर में चले जाओ, जाओ शार्क टैंकर में जाओ। हाँ, तुम्हारे शार्क टैंकर ही बनेगा, क्योंकि शार्क टैंक वाले तो तुम्हें दरवाजे से ही भगा देंगे ना। निकल अरे निकल। ये वही लड़का है, अब लगता है थोड़ा बड़ा हो गया। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। और ये इसके पैदा होने के बाद के कुछ सीन। अंबानी, टाटा, महिंद्रा, ये सब फालतू है भाई, ये सब फालतू है, क्योंकि असली इन्वेंशन तो ये कर रहे हैं। बेचने हैं खीरे को, नमकीन वाले को बोलना है कि मिर्च थोड़ी तेज रखे, जैसे ही लोग नमकीन खाएंगे उनको लगेगी मिर्च, आपको ले जाना है वहाँ पे अपना खीरा और बेच देने हैं खीरे सारे। भाई अच्छा, पर मेरे से पहले पानी वाला चला गया तो? देखो सीधी सीधी बात है, जो लोग कहते हैं ना बच्चों को मारते नहीं है, ऐसे वालों को बचपन में ही 2 चपेट मार देने चाहिए थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, आजकल माँ बाप ने जो अपने हाथ बांध लिए है ना, ये उसी का नतीजा है। चपेट छोड़ो, ऐसे बच्चों को तो बेल्ट से मारना चाहिए, भैंस की आग, बेल्ट से मारना चाहिए, बेल्ट से मारना चाहिए, बेल्ट, बेल्ट का बिजनेस शुरू कर देती हूँ ना यार, ऐसे बच्चों की कमी थोड़ी ना है। इनके पापा लोग को बेचूंगी, सोचो उनके पापा कितने खुश होंगे, उत्साहित हो जाएंगे, बेल्ट देगा कि आज तो खाली देड़ूंगा इसकी। ठीक कहा है, आपको एक खीरा जो बेचना है 10 रुपए का, उस पे नमक लगा के बेचना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कोच पीछे खड़ा होना है, ये नहीं कि नमकीन खाई और एकदम खीरा, क्योंकि थोड़ी मिर्च लगेगी तभी खीरे की डिमांड बढ़ेगी। भाई इसमें कभी कभार ऐसा भी होगी इतनी नमकीन वाले की सेल नहीं होगी जितनी खीरे वाले की होगी। पर भाई आपके कहने से तो मैं चने बेचने जा रही हूँ, इसका क्या करूँ? एक बार ये खत्म कर लेती हूँ फिर देखती हूँ ये वाली वीडियो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, कि मिर्च इतनी लग रही होगी लोगों को, इस हिसाब से आप 10 रुपए का एक खीरा बेचोगे, आपको दिन के 200 खीरे बेचने हैं, तो दिन का कमाया आपने 2000 रुपए और महीने का कमाया आपने 60000। पर फिर एक टाइम अब कोयला और रेडी का खर्चा तो निकाला ही नहीं यार, कैलकुलेशन इसके कितनी खराब है बे। सुनो मंदबुद्धि बालक, तुम एक काम करो, तुम लो चुल्लू में पानी,
नहीं नहीं, इसमें डूब के मरना नहीं है, इससे अपने हाथ धोने हैं। अब तुम जाओ अपने किचन में और वहां से लो एक चाकू। नहीं नहीं, इससे अपनी नस नहीं काटनी है, इसको लेके अपने घर से बाहर जाओ। फिर वहां ढूंढो एक लकड़ी, उसको एक अच्छा सा आकार दो और फिर उसे अपने निचले भाग में डाल लो। गुस्सा नहीं प्रिंस, गुस्सा नहीं। दिमाग खराब कर दिया है यार, ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो। हाथ धोने के लिए बोल दिया, हम अगली बार से बोल देगा कि हाँ तसले में पानी लेके चौराहे पे खड़े हो जाओ, लोगों के हाथ धुलवाओ, उनसे 2 रुपए लो। बिजनेस आइडिया है भाई, बिजनेस आइडिया है, मस्त प्लान है। ऐसे ही बिजनेस हो रहे होते ना, क्या था टाटा महिंद्रा अंबानी मेरे आगे। फिर तो साले मजाक बना के रखते हो। टाइम आएगा सिर्फ आपको बैठ के सिर्फ नोट गिनने हैं जो आपने कमाया, इतना पैसा हो जाएगा। हेलो, हाँ इलोन भाव, आप मूंगफली बेचते थे क्या? आपने पहले की नहीं बताया। अच्छा, वो अमन चावल आपका ही गुरु है जिससे आपने काम सिखा रहे, तो वो मूंगफली जिस आग में गर्म करते थे आज उसी आग से आप रॉकेट उड़ाते हो। क्या बात है, पर मैंने तो सुना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूजन। ओ नहीं नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, क्या मतलब रॉकेट का निशाना मेरे घर पे लगा दिया है। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसपे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। भाई आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। अबे भाई बागड़ बिल्ले के मौसा, अब समझ में आ रहा है पापा मम्मी क्यों बोलते थे दोस्त से दूर रहना। उनको लगता था कि हमारा दोस्त ऐसा होता होगा, बिना सर पैर की बातें करने वाला। मेरी बर्दाश्त की एक हद है। ये वही दोस्त है जो उधार लेकर के 6 महीने बाद भूल जाता है। ये वही दोस्त है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से दोस्ती करके तुम्हारा ब्रेकअप करवा देता है। ये वही दोस्त है जो तुम्हारे घर पे आके पॉटी करने के बाद फ्लश नहीं करता है। ये वही दोस्त है। साला दोस्ती क्यों है अब तक। भाई आपको एक शादी में ढोल बजाने के 2100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बुकिंग अमाउंट है। इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत है, लोग जो भी पैसा उड़ाए आपको सारे लूट लेने। और दोस्त ऐसे बनो जो जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना सिखाए, दोस्त ऐसे मत बनो जो तुम्हें झुकना सिखाए। ऐसा फटअप करने के लिए मोटिवेशन नहीं गरीबी की जरूरत है भाई। माना ये कंटेंट है कुछ लोगों के लिए, पर मेरे को क्यों सजेस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम, अच्छी नहीं लग रही क्या? मैं, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल करते हुए। भाई जब भी लोग पैसा उड़ाना बंद कर दे तो आपको क्या करना है, आपको हाथ लेके ऐसे ऐसे कर देना है, तो वो लोग समझ जाएंगे जब तक हम इसको पैसा नहीं देंगे तब तक ये ढोल नहीं बजाएगा, तो लोग पैसा देंगे। भाई बस अब भीख मंगवाना रह गया तुमको, कल को ये भी बोल दोगे कि बहुत बढ़िया स्टार्टअप है, बहुत बढ़िया, बस फटे पुराने कपड़े पहन लो, एक बच्चा हाथ में लेके निकल जाओ, ट्रैफिक लाइट में 1.5 करोड़ साल का टर्नओवर तो निकल ही जाएगा। दे शर्म, शर्म करो, शर्म। भाई जिस तरीके के मोटिवेशन भाई देते हैं ना, वो दिन दूर नहीं है, ये ट्रैफिक लाइट वाला भी सोल्यूशन दे ही देंगे। वो फटे पुराने कपड़े खुद ही प्रोवाइड करेंगे, लो मेरे को 10% कट दे देने का, मैं तुमको आइडिया दिया ना। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। भाई इस बिजनेस में 0 इन्वेस्टमेंट है और आप साल के 21 लाख रुपए तक कमा सकते हो। इसके लिए आपको जाना है YouTube पे, YouTube पे वहाँ पे लिखना है कि मेहंदी कैसे लगाई जा सकती है। मेहंदी जब एक बार आगे ही लगाना, फिर आपको लेने हैं ऑर्डर। और आप ऑर्डर कहाँ से लोगे भाई, इंडिया में 1 साल में 1 करोड़ शादियां होती है। मान लेते हैं अगर आपको 1000 शादियों के भी ऑर्डर मिल जाते हैं साल में दिन 365 डेज, और हर रोज शादी के ऑर्डर 365 दिन में रोज काम करूं तो बाकी के 635 दिन क्या तेरा बाप काम करेगा। कंट्रोल, ऐसे बकलोल से आइडिया ना लोग भंड हो करके नहीं देते जितना ये होस में देता है। एक बार को तुम सरकारी नौकरी के पीछे भाग लेना, उसके एग्जाम देने इधर उधर चले जाना, लेकिन इस बंदे का बिजनेस आइडिया मत अपना लेना। ठीक है समरिया, सस्ता पप्पू सा। ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इससे बढ़िया आइडिया तो ये है, अपन भी एक चाय का दुकान खोलेगा, चाय बिस्कुट लेमन सोडा राइस प्लेट सब बेचेगा। जुक्कू भैया अपने ऑफिस में बैठ करके इसकी वीडियो देख करके पछता रहे होंगे कि इन सालों के लिए मैंने इंस्टाग्राम खरीदा था ये देखने के लिए। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। भाई ये बिजनेस स्टार्टिंग में खुद ही करना है, फिर आप हायर कर सकते हो काबिल बंदों को। आपको बेचनी है जुराबे और लिपस्टिक। सरकार ने लगता है सीवर इसके घर के नीचे नहीं लगवाया, तभी तो डट्टी भी तक साफ नहीं हुई। जुराब और लिपस्टिक बेचना तक तो ठीक था, लेकिन इसको बिजनेस बोलना, इसके लिए लोगों को हायर करना जैसे शब्द यूज करना, इट्स लाइक दीपक कलाल को इन्फ्लुएंसर बोलना, रिद्धि सेवक को आदर्श माता पिता बोलना। पर यार एक बात तो है भाई कि अगर वीडियो आप कंटिन्यू देखोगे ना तो आपके अंदर एक चीज डेवलप होगी, वो ये कि आप कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाते हो। और अगर तुम्हें किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो आप भाई का वीडियो उनको शेयर भी कर सकते हो। फायदे तो है इनकी वीडियो देखने के, फायदे हैं। आप मतलब और किलस्ते रहते हो अंदर से,
कि ऐसा कैसे सोच सकता है कोई? कौन है ये पागल आदमी? अब जल्दी बताओ आगे इस बिजनेस में क्या करना है? अभी भाई बस यही एक ऐसी चीज है जो लोग डेली बदलते हैं और लोगों को चाहिए वैरायटीयां। तो आपको खरीदनी है लिपस्टिक, वो खरीद सकते हो आप रेडीमेड। एक लिपस्टिक होलसेल के रेट पे पड़ती है 10 रुपए की, आपको वो बेचनी है 30 रुपए की लिपस्टिक। भाई मेरे 10 रुपए की लिपस्टिक लगा करके होंठों का हाल ना कुछ ऐसा हो जाना है। तुम्हारी ही इस लिपस्टिक का इस्तेमाल स्त्री मूवी में दीवार पे ये लिखने के लिए किया गया था, मुझे नहीं बेचनी भाई तुम्हारी लिपस्टिक ना ही तुम्हारे जुराब। और आगे से अगर आप वीडियो अपलोड करो तो प्लीज नेट ऑफ कर लेना। और एक रूल अपनी लाइफ में ऐड कर दो कि जब भी आपका मन करे वीडियो रिकॉर्ड करने का तो फोन को स्विच ऑफ करके करना। उससे क्या होगा ना, लोग आपकी वीडियोस पे गालियां नहीं देंगे और लोग उसे पढ़ पढ़ के गाली सीखेंगे नहीं। बात तो सही है। चलो बाकी तुम बताओ भाई की वीडियो से कितना सीख करके कितने बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं तुमने और कितना कमा लिया है तुमने? कोई सेंस है इस बात की? सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, होप आप लोग वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे एंड सो 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 सॉरी इतनी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। मैंने बहुत टाइम पहले ही पूछा था कि इस बंदे पे वीडियो बनाऊं और मैं इतने टाइम के बाद बना रही हूं। आई एम रियली सॉरी गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू, राधे राधे।